Hello viewers, welcome to my channel. I'm Rashmi, your maths teacher. Today with another question from chapter triangle, chapter number 6, exercise 6.5, question number 3. The question is, in the following figure A, B, C, D, in the following figure A, B, D is a triangle right angled at A, मतलब कि यहाँ पे angle A हमें कितना given है 90 degree. एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, तो ये ए सी कहाँ परपेंडिकुलर है, बी डी लाइन पे. तो ये दोनों एंगल भी कितने हैं 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये एंगल भी 90 डिग्री क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल ए क्या दिया हुआ, राइट एंगल, और ये है ए सी परपेंडिकुलर बी डी, इसलिए इस ट्राइंगल में थ्री एंगल कितने हैं 90 डिग्री है. देन शो दैट ए बी, ये टू नहीं स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए सी स्क्वायर और ये है ए डी स्क्वायर. तो ये है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी. सेकेंड हमें शो करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी और ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी. तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे ये जो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, यहाँ टू प्रूव ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी. तो जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में ये मैंने आपको एक थ्योरम नंबर करवाई थी 6.7, ये 6.7 में जैसे हमने प्रूफ किया था, ये भी बिल्कुल वैसे ही हमें प्रूफ करना है. अब यहाँ पे देखो, ट्राइंगल को आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इक्वल टू बी सी इंटू बी डी. इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं क्योंकि ए बी स्क्वायर है, तो ए बी इंटू ए बी. तो अगर हम बी सी को यहाँ पे ट्रांसफर करके लेफ्ट में ले जाए तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, और इस ए बी को हम यहाँ ट्रांसफर करें तो बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा. मतलब कि दो ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो हो जाएगा, और अब हमें पता है कि वो हम कब लिख सकते हैं, ट्राइंगल की साइड का रेशियो तब इक्वल आता है जब दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर. तो ये जो हमें यहाँ पे राइट करना है वो हम तभी कर सकते हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो. तो अब वो दो ट्राइंगल कौन से लेने, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें एक ही ट्राइंगल गिवन है ए बी डी. तो आपको जो प्रूव करना है वहां से हमें देखना है कि हमें कौन से ट्राइंगल लेने. तो ये जो लेफ्ट साइड है जिसमें ए बी स्क्वायर गिवन है या ए बी इंटू ए बी गिवन है, यहां से हमें नहीं देखना है, हम राइट साइड से देखेंगे हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है. तो एक साइड यहाँ पे बी सी है और दूसरी साइड यहाँ पे बी डी है. तो यहाँ पे देखो बी सी से बनने वाला कौन सा ट्राइंगल है, ये बी सी साइड है ना, तो बी सी से बनने वाला ट्राइंगल कौन सा हो गया, ए बी सी, ये मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ, ये ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी. और बी डी से बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है, बी डी कौन सी साइड है, ये पूरी बड़ी वाली. तो यहाँ पे ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी, तो ये यहाँ पे बड़ा वाला ट्राइंगल. तो आपको समझ में आ गया यहाँ दो ट्राइंगल कौन से लिए मैंने, एक ए बी सी ले लिया और एक ए बी डी. दो ट्राइंगल कैसे लेने, वो आपको जो प्रूव करना है वहां से हिंट लेना है. तो नाउ इन ट्राइंगल, और इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है क्योंकि ये साइड का रेशियो है. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए बी डी वी हैव, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कर दें. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में ही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इसमें तीन एंगल 90 डिग्री है. तो हम ये चेक करते हैं क्या इन दोनों ट्राइंगल में कोई 90 डिग्री है, क्योंकि ट्राइंगल को सिमिलर करने के चार क्राइटेरिया है, एंगल एंगल फर्स्ट, एंगल 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 सेकेंड, एंगल साइड एंगल साइड थर्ड, और लास्ट है साइड साइड साइड. इन चारों में से यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें एक एंगल गिवन है, तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया एंगल एंगल को चेक करके देखते हैं क्या ये इससे सिमिलर होता है. तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी सी ए 90 है, तो सबसे पहले एंगल बी सी ए इक्वल टू, और ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ए 90 है, एंगल ए बोथ आर 90 डिग्री, ओके. अब एक और एंगल अगर हम लेकर आ गए तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाएगा. तो यहाँ पे देखो दोनों ट्राइंगल में, ये देखो बी यहाँ भी है, इस ट्राइंगल में भी है, कॉमन आपको यहीं से दिख जाएगा जो हमने ट्राइंगल लिखे, और बी यहाँ भी है. तो ये देखो ये एंगल बी कॉमन है ना दोनों में, यहाँ पे देखो ब्राउन लाइन भी है और रेड लाइन भी है, तो ये दोनों इसमें यहाँ पे ये कॉमन, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी बोथ आर कॉमन, एंगल बी इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल. तो ये बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी वी हैव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल
ए बी डी। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, साइड का रेशियो लिखना है। दोनों ट्राइंगल से हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड का रेशियो लिखेंगे, तभी तो ये आएगा, तभी तो हमें ये ए बी स्क्वायर आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, मैं यहाँ फिर से बता रही हूँ, दो मेथड है कि आपको यहाँ पे ट्रायंगल को पहले अरेंज करना है। अगर आपने ट्रायंगल को सही से अरेंज कर लिया तो रेशियो लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब किसी ट्रायंगल में एंगल गिवन होते हैं तो उस एंगल के अकॉर्डिंग ही साइड आएगी। क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का डिवाइड हाइपोटेनियस से होगा, बेस का बेस से, और परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर। तो या तो फिर आपको अगर ट्राइंगल में ये देखना आता है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ दोनों मेथड बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो, हमने पहले ट्राइंगल ए बी सी लिया है ना, तो ये रहा ए बी सी, तो ए बी सी में 90 डिग्री एंगल कहाँ है, यहाँ पर एंगल सी पे है ना 90 डिग्री। तो सी के जस्ट सामने कौन सी साइड है, ए बी। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले ए बी, हमने हाइपोटेनियस लिया सबसे पहले, ए बी ये हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल का। और यहाँ पे देखो ए बी डी जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है, बी डी। तो ये ए बी अपॉन क्या आएगा, बी डी। तो यहाँ पे हमने जो 90 डिग्री के जो दो एंगल हमने लिए थे, इनके जस्ट सामने वाली साइड हमने यहाँ पे राइट कर ली। ओके, अब ये एंगल बी कॉमन है, तो एंगल बी के सामने कौन सी साइड है आप वो देख लो। तो सबसे स्मॉल वाले ट्राइंगल में ये एंगल बी था स्मॉल, तो ए बी सी ट्राइंगल में एंगल बी के साइड सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी। तो ये हमने राइट कर लिया ए सी। और जो ट्राइंगल आप पहले ले रहे हो उसकी साइड ऊपर लिखनी है, जो बाद में लिया उसकी साइड नीचे लिखनी है। और दूसरा वाला में ट्राइंगल ए बी डी में एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ए डी। तो ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया ए डी। ठीक है, और लास्ट अब इस ट्राइंगल की जो साइड रह गई है, देखो हमने ए बी राइट कर लिया है, ए सी राइट कर लिया, तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या बची है, सिर्फ बी सी। और बड़े वाले ट्राइंगल में से बी डी राइट कर लिया, ए डी राइट कर लिया, तो सिर्फ क्या बच गया, ए बी। तो आई थिंक ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ आपको कैसे इसको लिखना है, वो मेथड भी इजी है। अब यहाँ पे देखो, दूसरे मेथड में हम एंगल ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे कौन से ट्राइंगल में, एंगल सी पे है ना, तो आप पहले वाले ट्राइंगल का सी लिख लो, और दूसरे वाले ट्राइंगल में एंगल ए पे 90 है तो एंगल ए लिख लिया। ओके, फिर एंगल बी बी दोनों में है, अब जिस पहले लिखना है तो पहले लिखो, बाद में लिखना है तो बाद में लिखो, मैं यहाँ पे पहले लिख रही हूँ। तो बी बी दोनों में है तो बी, सॉरी इसके भी पहले आएगा ये बी। ओके, सी हमने 90 वाला लिखा, बी दोनों में कॉमन है इसलिए बी बी लिख दिया। अब जो एक बचा है वो छोटे वाले ट्राइंगल में से क्या बचा है, ए, तो ये हमने ए लिख दिया, और बड़े वाले ट्राइंगल में से ए बी दोनों आ गया डी। ठीक है, तो ए बी सी ट्राइंगल डी बी ए के क्या हो गया, सिमिलर। तो इस तरह से ट्राइंगल को अरेंज करना है, और उसके बाद ये देखो ए बी को ए बी अपॉन अब डी बी, डी बी लिखो या बी डी लिखो, देखो सेम आएगा। हम यहाँ पे डी, क्योंकि साइड में कोई नहीं, ये देखो बी डी लिखो या डी बी लिखो, साइड एक ही बात होती है, तो ये डी बी इक्वल टू फिर लास्ट टू बी सी अपॉन बी ए, तो बी ए लिखो या ए बी लिखो, और लास्ट में फर्स्ट और लास्ट, तो ए सी अपॉन ये डी ए। ओके, ये देखो दोनों के सेम आए। आपको जो मेथड समझ में आता है आप उससे लिखो, क्योंकि ये अरेंजमेंट आपका सही होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन राइट होगा, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि साइड हाइपोटेनियस के साथ हाइपोटेनियस चाहिए, बेस के साथ बेस चाहिए, और परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर चाहिए। दो मेथड है, दोनों में से जो मेथड आपको समझ में आए उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। ओके, अब फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पे देखो, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर, तो लेफ्ट में ए बी स्क्वायर चाहिए, तो हम इन तीन रेशियो में से वो रेशियो लेंगे जिसमें ए बी रिपीट हो रहा। तो यहाँ पे भी देखो ए बी अपॉन बी डी है, यहाँ बी सी अपॉन ए बी है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ए बी रिपीट हो रहा है इस वाले सेक्शन और इस वाले सेक्शन में, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज, इसको फिर से राइट करते हैं, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, तो क्रॉस मल्टीपल किया तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी सी इंटू बी डी के। तो हैंड्स प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। सेम यहाँ पे भी पहले हमें ट्राइंगल देखना है, तो ये रहा फिगर, ए सी स्क्वायर, लेफ्ट को नहीं देखना, राइट से हम देखते हैं। तो ये वाला ट्राइंगल है बी सी, और ये सी डी, सी डी ये वाला ट्राइंगल, तो ये वाला जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किया था हमने, सेम वैसे ही यहाँ पे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इस साइड से बनने वाला ट्राइंगल ए बी सी है, और इस साइड से बनने वाला ट्राइंगल ए सी डी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ, नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड
ट्राइंगल ए सी डी वी हैव। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल तो 90 डिग्री हमें गिवन है, पहले हम वही राइट कर लेते हैं। तो एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल ए सी डी बोथ आर 90 डिग्री। ओके, ये यहाँ पे ये तो दोनों इसमें 90 डिग्री। अब हमें एक एंगल और चाहिए जिससे कि ये एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको नंबरिंग कर देती हूँ कि ये हम ले लेते हैं टू, ये मैं ले लेती हूँ थ्री, ये फोर और इसका 2 + 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने 2, 3, 4 यहाँ पे नंबरिंग कर लिया ताकि सॉल्व करने में इजी रहे। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको साइड में बता रही हूँ, ये यहाँ पे यहाँ देखो क्या 3 + 4 90 होगा। यस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि 3 + 4 एंगल ए 90 है, तो 3 + 4 भी क्या होगा 90। ओके, अब क्या 2 + 3 भी 90 होगा, एंगल 2 + एंगल 3 भी 90 डिग्री होगा। यस, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी सी ट्राइंगल में ये 90 है, तो ये 90 और तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 90 चला गया, तो रिमाइनिंग 2 का सम भी 90 रहेगा। यहाँ देखो साइड में बताती हूँ, ये देखो एंगल, इसको मैं यहाँ चलो ऐसे ही रखते हैं, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल 2 + एंगल 3 का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, बी सी ए की वैल्यू 90, एंगल 2 सेम, एंगल 3 सेम, इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 2 + एंगल 3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री - 90, तो एंगल 2 + एंगल 3 कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये जस्ट हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। अगर इन दोनों को यहाँ देखो, दोनों के राइट इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों के लेफ्ट भी मैंने इक्वल कर दिए, तो 3 से 3 कैंसिल, तो एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के, तो एंगल 4 एंगल 2 के, तो ए बी सी ट्राइंगल का एंगल 2 ए सी डी ट्राइंगल के एंगल 4 के क्या है, इक्वल। तो हमारा प्रूफ हो गया, एंगल 2 = एंगल 4, जस्ट हमने साइड में अभी प्रूफ किया है। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी वी हैव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी। ओके, अब यहाँ पे देखो फिर से आपको, जैसे ये मेथड समझ में आप ये करो, या फिर इधर वाला मेथड समझ में आप इधर वाला करो, मैं यहाँ पे एंगल से करती हूँ। तो बी सी ए, बी सी ए में ये 90 है, एंगल सी के यहाँ पे जस्ट सामने कौन सी साइड है, यहाँ पे साइड है हमारी ए बी, तो ये आ गया ए बी। ओके, और इस साइड, इस वाले ट्राइंगल में 90 की जस्ट सामने कौन सी साइड है, ए डी, तो ये यहाँ पे मैंने राइट कर लिया ए, हमें क्वेश्चन, यस ए डी। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो एंगल 2, एंगल 2 के जस्ट सामने कौन सी साइड है, ए सी, तो ये ए सी राइट कर लिया, और इसमें एंगल 4 है, तो एंगल 4 के जस्ट सामने साइड कौन सी है, सी डी, इक्वल टू। अब जो लास्ट साइड बच गई आप वो लिख लो, ये देखो ए बी हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, तो यहां से रह गया बी सी, और इसमें से ए डी हो गया, सी डी हो गया, इसमें से बच गया ए सी। तो दिस इम्प्लाइज, अब हमें इसमें से जो प्रूफ करना है वो ए सी स्क्वायर चाहिए, तो हम ए सी, ए सी इसमें रिपीट है, हम ये दोनों रेशियो लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीपल किया, तो ए सी स्क्वायर हो गया सी डी इंटू बी सी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, बी सी इंटू सी डी लिखो या सी डी इंटू बी सी लिखो, एक ही बात है। तो ये हमने सेकेंड पार्ट किया, अब हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, हमें ये प्रूफ करना है। तो सेम हम यहाँ पे पहले ट्राइंगल देख लेते हैं कि हमें दो, कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो बी डी से बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी, तो नाउ इन, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसे है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी डी से बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है, सी डी से बनने वाला ट्राइंगल ये ऊपर वाला, तो ये है ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। अभी दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है, इजी, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था। पहले हम यहाँ 90 90 देख लेते हैं, तो ए बी डी में एंगल ए 90 है और ए सी डी में एंगल ए सी डी ही 90 है, एंगल ए सी डी इज
90 डिग्री. ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए 90 डिग्री के. अब दूसरा एंगल यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको बताया था इसमें हम दूसरा कॉमन, तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी डी वाला पार्ट ये कॉमन है, डी दोनों में कॉमन है ना. ये देखो यहाँ पे भी फिगर में, क्योंकि हमने अभी ट्राइंगल लिया ए बी डी और ए सी डी, तो ये डी वाला दोनों में रिपीट हो रहा है, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल डी कॉमन. ओके, ये हमने किया कॉमन, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी. ओके, तो ये यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब हम यहाँ पे इनकी साइड का रेशियो लिख लेते हैं. तो सबसे पहले एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बी डी, और एंगल ए सी डी के जो सामने वाली साइड कौन सी है, ए डी. ओके, नाउ अब यहाँ पे हम दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल डी के जस्ट सामने वाली हमारा पहला ट्राइंगल ए बी डी है ना, तो ए बी डी ट्राइंगल की साइड लिखेंगे. तो एंगल डी के जस्ट सामने साइड कौन सी है, ए बी, और इस ट्राइंगल की ए सी डी ट्राइंगल की एंगल डी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी. ओके, अब जो लास्ट हमारा बच गया साइड वो हम राइट कर लेते हैं, तो बी डी हो गया, ए बी हो गया, तो यहां से बच गया ए डी, और यहां से ए डी हो गया, ए सी हो गया, तो यहां से बच गया सी डी. अब हमें ए डी स्क्वायर चाहिए, तो हम कौन से रेशियो लेंगे जिसमें ए डी दोनों में ए डी हो, तो यहाँ पे है और यहाँ पे, इसको हम नहीं लिखेंगे. ओके, तो ये हम यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीपल किया तो ए डी स्क्वायर आ गया बी डी इंटू सी डी. तो तीनों पार्ट मैंने इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करके बता दिए. अब आपको ये, क्योंकि मैं आपको इस ट्राइंग इस चैप्टर खासकर इसी एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है कि रेशियो बिल्कुल सही होने चाहिए. रेशियो सही होंगे तभी स्क्वायर वाले क्वेश्चन प्रूफ होंगे. तो रेशियो बिल्कुल सही होने के लिए आपको ट्राइंगल के एंगल के अकॉर्डिंग देखो, या फिर मैंने जो आपको यहाँ पे दूसरा मेथड बताया था कि ट्राइंगल को कैसे अरेंज करना है, जो एंगल आपको गिवन है एंगल सी है, तो आप एंगल सी यहाँ पे लिख लो. सी एंगल यहाँ पे देखो ना, एंगल सी इक्वल था तो सी हमने किया, इसका एंगल थे तो हमने ए लिख लिया, एंगल बी बी था तो हमने बी बी लिख लिया, उसके बाद इसका ए बच गया तो ए लिखा, उसका डी बच गया तो डी लिखा. उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट टू डिवाइड बाय इसकी फर्स्ट टू, लास्ट टू डिवाइड बाय इसके लास्ट टू, और फर्स्ट सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट सेकेंड. बस ये आपको जो मेथड समझ में आता है अब वो यूज कर सकते हो. तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना ना भूले. थैंक यू.